अस्सलाम वालेकुम, सी लैंग्वेज के लेक्चर 2 के साथ हाजिर हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड और लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम डिस्कस करेंगे। सोर्स कोड क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए लिखा जाए, दैट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज सी की बात कर लें, सी प्लस प्लस की बात कर लें, जावा की बात कर लें, डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें, तो उसमें कोई भी कोड लिखें तो मशीन रीडेबल फॉर्म नहीं होता, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होता है, उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, और जब वो मशीन रीडेबल फॉर्म होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। मशीन रीडेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। मशीन रीडेबल फॉर्म जो कोड होता है, मसलन आफ्टर ट्रांसलेशन पहले सोर्स कोड होता है, फिर वो कंपाइलर के थ्रू लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू कंपाइल होता है, फिर वो ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर होता है। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं, तो सबसे पहले जब लिखते हैं तो उसको सेव करते हैं, तो उसकी एक्सटेंशन होती है abc.c, abc.c होती है, और जब उसे हम कंपाइल कर लेते हैं तो जब उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, मशीन रीडेबल फाइल बनती है, तो वो abc.obg बन जाती है, उसकी एक्सटेंशन चेंज हो जाती है, वो ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है, और उसके बाद जब वो रन होती है तो वो abc.exe बन जाती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सोर्स कोड ह्यूमन रीडेबल फॉर्म कोड को कहते हैं, और मशीन रीडेबल फॉर्म कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरफ। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है कि अब देखें, लेट्स सपोज एक बंदे को उर्दू बहुत अच्छी आती है और दूसरे बंदे को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो वो दोनों एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसका हल क्या होगा कि एक ऐसा बंदा ढूंढा जाएगा जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हों, जिसको इंग्लिश भी आती हो और उर्दू भी आती हो, वो इंग्लिश वाले बंदे की बात को उर्दू में ट्रांसलेट करेगा और उर्दू वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। इस तरह वो जो है वो जो बात है वो ट्रांसलेट हो जाएगी और वो कहलाएगा ट्रांसलेटर। इसी तरह कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उनको लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि कहीं पे कंफ्यूज स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या चीज़ है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर अंडरस्टूड बात है कि वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात ही कर रहा है। ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है ट्रांसलेट करने के लिए सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को मशीन रीडेबल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अगर हम तीनों को देखें तो कंपाइलर को हम देखते हैं, कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। एज अ होल मीन के पूरे का पूरा सी लैंग्वेज का या सी प्लस प्लस का कोड उठाता है और उसे ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर देता है। ये फास्ट ट्रांसलेटर है, और मोस्टली जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो कंपाइलर का यूज करती हैं। सी और सी प्लस प्लस कंपाइलर जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर एक ऐसा, ये स्लो ट्रांसलेटर है ये जो है, लेकिन इसका फायदा ये है कि इसमें जो जब कोई भी एरर आती है, एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी लाइन कोड की एग्जीक्यूट होती है, फिर तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो अगर किसी लाइन पे कोई एरर आ गया है तो उसको जो है उसी वक्त सॉर्ट आउट किया जा सकता है, यानी कि इसमें डिटेक्ट करना, एरर को फाइंड आउट करना आसान है, बजाय के प्रोग्राम एंड पे लिखने के बिल्कुल एंड पे एरर को डिटेक्ट किया जाए, दैट इज डिफिकल्ट टास्क। तो GW बेसिक एक लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेजेस में, जो अर्लियर स्टेज पे जो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई, दैट इज GW बेसिक। और GW बेसिक की जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर थर्ड, सो ऑन सो, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो दिस इज स्लो टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उसके बाद असेंबलर की बात करें, हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में असेंबली लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था, तो असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ 0-1 को समझता है। असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखेंगे, असेंबली लैंग्वेज का जो कोड होगा, उसे मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, उस असेंबली लैंग्वेज की फाइल को मशीन रीडेबल फॉर्म में 0-1 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले उसकी एक बेसिक सी हिस्ट्री देखेंगे कि क्या है। सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, इट्स मीन के ये आम मकासद के लिए यूज़ होती है, आम पर्पस, कॉमन पर्पस के लिए यूज़ होती है। उसके बाद ये डेनिस रिची ने 1972 में AT&T बेल लेबोरेटरी में डिवेलप की थी। ये लैंग्वेज जो है ये बी लैंग्वेज से ड्राइव की गई है। बी लैंग्वेज एक लैंग्वेज थी, बी लैंग्वेज इज द बेस ऑफ सी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज कैन थॉमसन ने 1970 में डेवलप की थी।
बी लैंग्वेज इज द बेस ऑफ सी लैंग्वेज, और जो सी पढ़ रहे हैं ये फर्दर जो नेक्स्ट लैंग्वेज इसके बाद इंट्रोड्यूस हुई सी प्लस प्लस, ये उसकी बेस है। तो जो अर्लियर स्टेज पे सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई उसका एक इशू ये था कि वो मशीन डिपेंडेंट थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने जब लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मशीन लैंग्वेज जो थी वो मशीन डिपेंडेंट थी। इसी तरह जो अर्लियर स्टेजेस पे सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई वो मशीन डिपेंडेंट थी, मीन टू से कि उसका प्रोग्राम वो उसी कंप्यूटर पर चलता था जिस पर वो लिखा जाता था। लेकिन फिर बाद में एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया गया सी लैंग्वेज का, उसका नाम रखा गया एनसीसी। एनसी स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट सी। तो ये जो ये वर्जन था ये एक फुल फ्लैज वर्जन था जिसमें सारे फीचर्स थे, और इसमें इस वर्जन में लिखा हुआ प्रोग्राम ये जो है लेटेस्ट वर्जन है सी लैंग्वेज का, और इसमें लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। इट्स मीन दैट कि वो किसी भी टाइप ऑफ कंप्यूटर पे वो एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है। तो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज, और नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है इसका जो है सिंटैक्स वगैरह पढ़ेंगे। उस लेक्चर के तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।